आगे खबर है मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां चित्रकूट मार्ग पर स्थित कोठी कस्बे में शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा भड़का तो वे न केवल प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आईं, बल्कि शराब दुकान पर ताला भी जड़ दिया। लगभग 2 घंटे तक चले जबरदस्त प्रदर्शन के बाद मामला तब शांत हुआ जब उन्हें आश्वासन देकर 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई। कोठी नगर परिषद क्षेत्र में सतना रोड पर खुली कंपोजिट शराब दुकान और उसके ठीक बाजू में खुले अहाते के खिलाफ कोठी की महिलाएं नाराज होकर शनिवार को सड़क पर उतर पड़ी। लामबंद होकर पहुंची महिलाओं ने शराब दुकान के सामने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी और दुकान के शटर पर ताला ठोक कर वहीं धरने पर बैठ गई। महिलाओं के इस प्रदर्शन को कुछ अन्य युवाओं और बुजुर्गों का भी सहयोग मिला और वे भी उनके साथ आ खड़े हुए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि शराब दुकान के कारण महिलाओं लड़कियों का सड़क से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ हमेशा शराबियों का जमघट लगा रहता है और ये महिलाओं लड़कियों पर छींटा कसी करते हैं। हालत इस कदर बिगड़ी है कि कई लोग तो पास के मोहल्ले के रास्तों तथा पुलिया के ऊपर बैठकर शराबखोरी करते रहते हैं। मोहल्ले में चोरी की वारदातें भी हो रही हैं, इसलिए ये शराब दुकान यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। महिलाओं के प्रदर्शन की खबर मिली तो कोठी थाना प्रभारी भूपेन मणि पांडे फोर्स के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने समझाइश देने की कोशिश की लेकिन महिलाओं ने एक ना सुनी। कुछ देर बाद नगर पंचायत अध्यक्ष को भी बुलाया गया। लगभग 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद महिलाओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते में उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। शराब दुकान को कहीं और शिफ्ट करने का प्रबंध भी विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर किया जाएगा, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। शाम को शिकायत से कार्रवाई की जाए, हम लोग यहाँ पर धरना धरेंगे, दुकान यहाँ से हटवाई जाए, नहीं हम लोग यहाँ पर अपनी जान भी दे सकते हैं।